ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए तीन ऐसे कमाल के रियलमी के स्मार्टफोन लेके आया हूँ जो आप लोगों को पाकिस्तानी मार्केट में 20,000 तक मिल जाएंगे। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रियलमी स्मार्टफोन की, तो रियलमी की जो स्मार्टफोन होते हैं अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। अब दोस्तों, रियलमी स्मार्टफोन का मैं खुद एक यूज़र है, इस टाइम जो है मैं रियलमी XT जो है मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मेरे जो है रियलमी के काफ़ी फेवरेट स्मार्टफोन होते हैं रियलमी एंड ओप्पो, ये दोनों स्मार्टफोन ही काफ़ी अच्छे होते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा कि वो कौन से तीन माल के रियलमी के स्मार्टफोन है। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से हर बार एक तरह छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप द टेक लेक्चरर यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो अभी द टेक लेक्चरर को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। अब दोस्तों, मेरे पास सबसे पहला नंबर स्मार्टफोन है वो है रियलमी C11। अब दोस्तों, इस स्मार्टफोन की मैं आप लोगों को स्पेक्स बता दूं, यहां पर आप लोगों को 6.5 इंच की स्क्रीन मिलती है। स्क्रीन देखा जाए तो काफी बड़ी है, इसमें आप लोगों को वाटर नोच मिलता है। अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन की कैमरा की, तो इसमें 13 मेगापिक्सल जो है आपको बैक कैमरा मिल जाता है। 2GB एंड 3GB रैम में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो हीलो G35 का आप लोगों को प्रोसेसर मिल जाएगा। 5000 mAh जो है आप लोगों को इसमें बैटरी मिल जाएगी। अब दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए स्मार्टफोन की प्राइस की, तो आप लोगों को पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन जो है 16,000 तक मिल जाएगा। अब दोस्तों, मेरे पास सेकंड नंबर स्मार्टफोन है वो है रियलमी C20A। अब दोस्तों, इस स्मार्टफोन की मैं आप लोगों को स्पेक्स बता दूं, यहां पर आप लोगों को जो है 6.5 इंच की स्क्रीन मिलती है, वाटर नोच इसमें आप लोगों को मिल जाती है, 8 मेगापिक्सल जो है आप लोगों को बैक कैमरा मिल जाता है। 2GB रैम के साथ ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। हीलियो G35 का आप लोगों को इसमें प्रोसेसर मिल जाता है। 5000 mAh जो है आप लोगों को इस स्मार्टफोन में बैटरी मिल जाती है। अब दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए स्मार्टफोन की प्राइस की, तो आप लोगों को पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन जो है सिर्फ 18,000 में मिल जाएगा। अब दोस्तों, चलते हैं हमारे लिस्ट के आखिरी नंबर स्मार्टफोन की तरफ। अब दोस्तों, मेरे पास लास्ट नंबर स्मार्टफोन है वो है रियलमी Narzo 20A। अब दोस्तों, इस स्मार्टफोन की मैं आप लोगों को स्पेक्स बता दूं, यहां पर आप लोगों को 6.5 इंच की स्क्रीन मिलती है, 12 मेगापिक्सल का जो है आप लोगों को बैक कैमरा मिलता है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की रैम की, तो आप लोगों को 4GB रैम के साथ ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। Snapdragon 665 का आप लोगों को इसमें प्रोसेसर दिया जाता है, प्रोसेसर जो है इसमें काफ़ी अच्छा लगा है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की बैटरी की, तो आप लोगों को 5000 mAh जो है इस स्मार्टफोन में बैटरी मिल जाती है। ओवरऑल दोस्तों, इस स्मार्टफोन को देखा जाए प्राइस के हिसाब से, तो आप लोगों को पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन 15,000 का मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैं बात करूँ अपनी, तो इन तीनों स्मार्टफोन में से जो मेरा स्मार्टफोन है वो है रियलमी Narzo 20A। अब दोस्तों, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं इसी स्मार्टफोन को ही बाय करता। अब दोस्तों, जो बाकी स्मार्टफोन है वो भी अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को भी लाइक करें। अगर आप ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन ऐप्स और टेक्नोलॉजी लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो अभी द टेक लेक्चर आप सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रूम में, तब तक रखिए अपना ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू टेक लेक्चर यूट्यूब चैनल For more interesting and informative videos.